चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एग्जिट पोल क्या कुछ कहते हैं, क्या नतीजे आ रहे हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस पांचों ही राज्य में बढ़त बनाए हुए है और कहीं ना कहीं ये बीजेपी के चेहरे पर शिकन जरूर लेकर आ रही है। इसीलिए जो चहल पहल इस बार कांग्रेस दफ्तर में देखने को मिल रही है मतगणना के समय पर, मतगणना शुरू होने से पहले वो बीजेपी दफ्तर में नहीं दिख पा रही है। लगातार हमारे संवाददाता बीजेपी हेडक्वार्टर से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, वहां पर भी लगातार हमने बात करने की कोशिश की है। और जिस तरीके से आज चुनाव के नतीजे आएंगे, कुछ ही देर में मतगणना शुरू हो जाएगी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में आज चुनाव के नतीजे आएंगे, वोटिंग कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। और लगातार हिंदी खबर आपको अपडेट दे रहा है, महाकवरेज लगातार जारी है, किस तरीके से तैयारियां की गई हैं और चुनाव प्रचार जैसे हुआ है उसके आधार पर क्या वाकई जनता, जिस तरीके से बीजेपी ने बड़ी संख्या में रैली की है, बीजेपी के तमाम दिग्गज जुट गए, तमाम स्टार प्रचारक जुट गए, क्या उसका नतीजा इस बार चुनाव परिणाम में दिखाई देगा, क्या उसका असर दिखाई देगा? जो वोट प्रतिशत बढ़े हैं, क्या उस वोट प्रतिशत का असर दिखाई देगा? और बड़ी खबर आपको बता दें, पांच राज्यों में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, पहले पोस्टल बैलेट से गिनती की जाएगी, थोड़ी देर में पहला रुझान भी आ जाएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, पांचों राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है। मतगणना स्थल के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पांच राज्यों में जनादेश क्या कहता है ये धीरे धीरे साफ हो जाएगा। जो धुंधली तस्वीर है वो कुछ ही देर में साफ हो जाएगी और वोटों की गिनती शुरू हो गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम, पांच राज्यों में आज चुनाव परिणाम आएंगे और ये चुनाव परिणाम कहीं ना कहीं 2019 की तरफ का जो रास्ता है वो बताएंगे कि ये रास्ता कौन से मोड़ जाएगा। आपको बता दें कि चुनाव में जिस तरीके से प्रचार किया गया था उसके आधार पर पूरी कोशिश है दोनों ही पार्टियों की कि रुझान उनकी तरफ आएगा, नतीजे उनकी तरफ आएंगे। मतगणना स्थल के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पांचों राज्यों में आज चुनाव परिणाम घोषित हो जाएंगे, कुछ देर बाद से रुझान आने शुरू हो जाएंगे और वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, थोड़ी ही देर में पहला रुझान आएगा, धुंधली तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगेगी कि जनादेश क्या कहता है, जनता क्या कहती है, जनता का मूड क्या है, कुछ ही देर में साफ होना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे रुझान आएंगे। लेकिन एग्जिट पोल ने जिस तरीके से तस्वीर बदली है, एग्जिट पोल ने जैसे कांग्रेस का उत्साह बढ़ाया है, एग्जिट पोल जिस तरीके से कांग्रेस में वो उत्साह भर रहा है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी के माथे पर शिकन आ गई है। बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं किस तरीके से चुनाव परिणाम आज आएंगे, रुझान कुछ ही देर में आ जाएंगे, पांचों राज्यों में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और घबराहट, दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं आम जनता की भी कि इस बार जनादेश, जिसे हमने जैसे सरकार चुनने के लिए वोट किया है, क्या वाकई वही सरकार बनेगी। धड़कनें उनकी भी बढ़ रही हैं, प्रत्याशियों की, उम्मीदवारों की, कि आखिर नतीजे क्या कुछ होंगे, किस तरफ करवट लेगी सत्ता वापस, किस तरीके से बीजेपी फिर से अपने राज कायम कर पाएगी या फिर कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में क्या वनवास खत्म हो पाएगा, क्या इस बार शिवराज सिंह चौहान को उतना ही प्यार मिल पाएगा जितना पिछले तीन विधानसभा चुनावों से मिलता आ रहा है, क्या जो कामकाज किया गया है बीते तीन बार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद उससे जनता खुश होगी या फिर कांग्रेस की तरफ जाएगी जनता, क्या बदलाव चाहती है जनता। बात करें अगर राजस्थान की तो लगातार राजस्थान में जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया गया वहां पर जनता की जो राय आई है वो साफ तौर पर ये कह रही है कि वसुंधरा राजे के कामकाज से खुश नहीं है और ये नारा दिया गया है कि मोदी से कोई बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, यानी कि अगर वोट दिया गया है तो मोदी के चेहरे पर दिया गया है, वसुंधरा राजे के कामकाज से जनता उतनी खुश दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए देखना होगा कि राजस्थान में क्या नतीजे आएंगे, क्योंकि एग्जिट पोल ने कहीं ना कहीं वो शिकन बीजेपी के चेहरे पर जरूर ला दिया है। लगातार आपको अपडेट बता रहे हैं, हिंदी खबर आपको महाकवरेज लगातार दिखा रहा है, पल पल की अपडेट दे रहा है, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है
और लगातार 5 राज्यों में वोटों की गिनती हो रही है। आपको बताएंगे रुझान किस तरफ जा रहे हैं, कुछ ही देर में पहला रुझान भी आ जाएगा और आपको हिंदी खबर लगातार पल पल की अपडेट दे रहा है। हिंदी खबर पर थोड़ी देर में पहला रुझान आएगा और सबसे पहले आपको बताएंगे पांचों राज्यों में झुकाव किस तरफ है, किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि एग्जिट पोल ने कहीं ना कहीं वो जो मोदी लहर थी जिसका कॉन्फिडेंस बीजेपी को था उस पर ब्रेक लगाने का काम किया है। एग्जिट पोल क्या कुछ कहता है आपको बताएंगे, क्या नतीजों में बदलेगा। कांग्रेस की केवल सरकार नहीं लेकिन लोखनमुखी जनता की सरकार मध्य प्रदेश में स्थापित होगी कांग्रेस के नेतृत्व में, और ये सरकार का संकल्प होगा कि जनता की आशाएं और अभिलाषाएं को हमें पूरी करनी होगी। न्याय, अमन और शांति का वातावरण और प्रगति और विकास का वातावरण मध्य प्रदेश में हम लोग तय करें। मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री कौन होगा? नतीजे पहले आने दीजिए। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप सुन रहे थे। आत्मविश्वास पूरा है कि कांग्रेस की जीत होगी, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे पर अभी भी कुछ बोलने से बचते हुए नजर आए। लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये देखना होगा। अगर कमलनाथ की बात की जाए तो कमलनाथ के समर्थकों ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टर भी लगा दिए, जीत की बातें भी लिख दी, जीत का दावा भी कर दिया, बधाई भी दे दी। ये आत्मविश्वास है, अति आत्मविश्वास है। एग्जिट पोल के नतीजे जिस तरीके से आए हैं, एग्जिट पोल ने जो तस्वीरें दिखाई हैं, कांग्रेस उसको सच मान बैठी है। हालांकि नतीजे अभी नहीं आए हैं, उसके लिए इंतजार करना होगा। पांचों राज्यों में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, कुछ ही देर में रुझान आएंगे। हिंदी खबर आपको सबसे पहले दिखाएगा रुझान कि आखिर जनादेश किस तरफ जा रहा है, पांचों राज्यों में क्या कुछ स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। लगातार हिंदी खबर आपको बता रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, उसके बाद यहां पर पूरी कोशिश की जाएगी कि सत्ता कायम रहे, लेकिन जनादेश किसे मिला है ये मायने रखता है, जनता क्या चाहती है वो मायने रखता है। मिजोरम की बात करें तो कांग्रेस की सरकार है और तेलंगाना में TRS यानी के चंद्रशेखर राव की सरकार है। देखना होगा कि इन दोनों राज्यों में जहां बीजेपी नहीं थी वहां बीजेपी ने अपने प्रचार से कितना असर डाला है, और तीन राज्यों में क्या अपनी साख को बीजेपी बचा पाएगी या सत्ता में वापसी करेगी कांग्रेस के लिए इंतजार करना होगा। सरकार के प्रयासों की सराहना करता हूं जिसके प्रयासों के चलते श्री विजय माल्या का ये प्रतापन संभव हो सका। सर, आप लोगों की सरकार की एक बड़ी बात थी कि करप्शन के खिलाफ लड़ाई है, मानते हैं इसको? इससे ये भी साबित होता है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो सरकार की जीरो टॉलरेंस है वो नीति कायम है। सर, उर्जित पटेल ने हुए इस्तीफा दे दिया है RBI के चेयरमैन। श्री उर्जित पटेल विश्वविख्यात वैज्ञानिक रहे हैं, इकोनॉमिस्ट रहे हैं, और उनका इस्तीफा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये निजी कारणों से, इसलिए कोई टिप्पणी उस पर नहीं होती। दोबारा सर, उर्जित पटेल ने निजी कारण देते हुए RBI के चेयरमैन पद से हटा। श्री उर्जित पटेल पुट किया है बदलाव के समय है और कांग्रेस पक्ष में यह बदलाव करना नहीं होगा। सर, दूसरी अगर पार्टियों की बात करें तो TRS हो या बीजेपी हो, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से कहा है कि वो AIMM की बात करें तो वो TRS को सपोर्ट करेंगे। भाई, जब TRS कहे कब से, सितंबर से कहने लगा 100 के ऊपर हम सीट जीतेंगे, अब है 119 सीट। अब ऐसे बात कह रहे थे कि बाप बेटा बेटी और उनका दामाद मिलकर कोई 100 सीट, 105, 115, अब बेटी कहती 120 सीट आएगा। अरे भैया, 100 सीट तो 119 है और उसका दामाद है वो तो 125 सीट। तो ये ऐसी बेवकूफ़ बात करने लगे लोग। तो अभी पहले तो इतने सीट जीतने वाले थे तो फिर अब MIM के और BJP के साथ क्यों बातचीत कर रहे हो? इसका मतलब आपको आपके खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, आप समझने लग रहे हैं कि लोगों से के साथ आपने धोखा दिया और लोग आपको बदलाव की निर्णय की लिया जैसा आपको लग रहा है। हमें तो पूरा विश्वास, हम पहले से भी कह रहे हैं, हमने कभी नहीं कि हम 100 सीट जीतेंगे। हम तो कहते रहे कि 55 से मिनिमम आएगा या फिर 64 आएगा, 70-80 तक आ सकता है। तो हमने कभी हकीकत की बात किया है, तो इसलिए हमें लगता है कि जनता ने भी देख रहा है कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन किसके पक्ष में काम करने वाला है। तो पहले तो ये लोग कह रहे थे कि TRS कहती थी कि या BJP MIM के साथ कोई हमारा संबंध नहीं है,
अब साफ साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी के साथ भी संबंध है और एमएम के साथ। और जिस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं, लगातार पांचों राज्यों में वोटों की गिनती शुरू हो गई है और अपनी अपनी यहाँ पर सोच है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन चलिए इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। कांग्रेस से संतोष गौतम जी भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत सर आपका। पॉलिटिकल एनालिस्ट ए के मिश्रा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और एसोसिएट एडिटर मध्य प्रदेश से अखिलेश तोलंकी जी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। अखिलेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और अखिलेश जी सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। ये जो एग्जिट पोल आए हैं, कांग्रेस ने इसे नतीजा मान लिया है, खुशी ऐसे ही दिख रही है कांग्रेस दफ्तर में? देखिए एग्जिट पोल तो आ चुके हैं, अब एग्जैक्ट जो रिजल्ट हैं उनका इंतजार है। और बड़ी बात यह है मनीषा, अगर हम देखें कि अगला आधा घंटा बहुत कुछ ये तय करेगा। कर्मचारी जो है, कहा यह जाता है कि पोस्टल बैलेट जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। अगर भोपाल का मैं जिक्र करूं, 7 विधानसभाएं 15,000 के आसपास पोस्टल बैलेट हैं। कर्मचारी का वोट किस तरफ गया अगले आधे घंटे में तस्वीर साफ हो जाएगी। और कहा यह जाता है कि कर्मचारी जिस तरफ जाता है सरकार उस तरफ जाती नजर आती है। अगले आधे घंटे का या शुरुआती रुझान जो आएगा वो अपने आप में सब कुछ बताएगा। और बड़ी जानकारी यह है कि काउंटिंग शुरू हो चुकी है, 8:30 तक पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे और उसके बाद ईवीएम के जरिए वोटों की गिनती का दौर शुरू होगा। एग्जिट पोल पर बहुत चर्चा हो चुकी है, बहुत कयास लोगों ने लगाए, अलग अलग स्टेट की बात करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, लेकिन एग्जैक्ट रिजल्ट जनता के मन में क्या था वो ईवीएम के पिटारे में कैद हो गया है। और ईवीएम का पिटारा अब खुलने ही वाला है और उसके पहले पोस्टल बैलेट ये तस्वीर बता देगा कि रुझान किस तरफ जा रहा है। यानी कि 15 से 20 मिनट के अंदर हम ये कहने की स्थिति में जरूर आ जाएंगे, हालांकि शुरुआती दौर का होगा, लेकिन हम कहने की स्थिति में होंगे कि किस तरफ ऊंट बैठ रहा है, राजस्थान में जिस तरह से कहा जाता है। लेकिन हाँ, एक जो सेंटिमेंट का जिक्र करूं, मध्य प्रदेश में कहा यह जा रहा है, जब आम लोगों से बात होती है कि देखिए नुकसान बीजेपी को जरूर होगा लेकिन एन प्रकरण एक तरह से शिवराज सरकार बनानेंगे, ये लोगों की एक अपनी एक तरह की राय नजर आ रही है। मनीषा, मध्य प्रदेश में पहला रुझान भी आ गया है बीजेपी को, इसमें 4 सीटें मिलती हुई दिख रही है। और फिलहाल तो पहला रुझान कुछ कह नहीं सकता, लेकिन कहीं ना कहीं अब यहाँ पर दिख रहा है कि बीजेपी आगे है। गौतम जी, आपसे मेरा सवाल यह है कि देखिए एग्जिट पोल ने तो जो कहा है वो हम मान रहे हैं, वो नतीजे नहीं है, लेकिन कांग्रेस में इतना उत्साह, इतना अति उत्साह, इतना अति आत्मविश्वास, कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टर भी लग गए हैं, कमलनाथ को मुख्यमंत्री भी दिखा दिया गया है। नहीं, ये तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है कार्यकर्ताओं की कि उन्होंने उत्साह में लगा दिया है, लेकिन हाँ हम अति आत्मविश्वास में नहीं है, हमें पूरा आत्मविश्वास है कि जिस तरीके से 15 सालों से इस प्रदेश को रौंदा गया है, यहाँ भ्रष्टाचार की गंगा बही है, नर्मदा नदी को लूटा गया है और हमेशा से कुव्यवस्था यहाँ पर फैली हुई है, तो उसके कारण हमें पूरा विश्वास है कि हम इस बार 140 से अधिक सीटों पर जीतकर कांग्रेस की सरकार यहाँ बनाएंगे। जी ए के मिश्रा जी, अगर एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील होते हैं तो बीजेपी ने कहाँ मात खाया है? देखिए बीजेपी, मैं आपको बताऊं, गुजरात का जब इलेक्शन हुआ था तो आप ही के चैनल पे मैंने ये बोला था कि जो क्लीन स्वीप का इनका ट्रेंड है वो अब ख़त्म हो गया, क्योंकि गुजरात इलेक्शन में बॉर्डर लाइन का केस था। उसके पीछे रीज़न है, पहला रीज़न ये है कि 2-3 साल में आप अपना नेचुरल जो मैग्नेटिज्म है ना, एज ए पॉलिटिकल पार्टी या एज ए लीडर, आप खोते चले जाते हो। जनता भी मोनोटोनस नेचर, वही बातें, वही वादे, वही इरादे बार बार सुनते सुनते जो है वो एक तरीके से ऊब जाती है, वो कुछ चेंज चाहती है। पिछले 2-3 साल तक तो बीजेपी ने क्या किया, क्षमा बांध के रखा, बहुत सारे कैंपेन ऐसे थे, पब्लिक को जो है बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद क्या हुआ, ग्राउंड लेवल पे जो आपने प्रॉमिसेस किए थे वो चीज जब हकीकत में नहीं उतरी तो पब्लिक भी थोड़ा एक मोनोटोनस नेचर को चेंज करना चाहती थी, परेशान होना शुरू हो गई, लोगों को जो है ये लगना शुरू हो गया कि ये केवल बातें कर रहे हैं। तो बीजेपी को नुकसान कांग्रेस या कोई और पार्टी नहीं पहुंचा रही है, बीजेपी को नुकसान वो खुद पहुंचा रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से अतिवाद हो गया कि केवल आप बातें किए जा रहे हो, सपने दिखाए जा रहे हो, और ग्राउंड लेवल पे जो आपने अपने एजेंडा रखे थे 2014 में वो हकीकत में तब्दील नहीं हो पा रहा है। उसके पीछे रीजन है, लंबे लंबे जो प्रोजेक्ट होते हैं रोड के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, डेवलपमेंट के, रोजगार के, वो 1-2 साल में इंडिया जैसे देश में चेंज नहीं होने वाले हैं, पूरे कंट्री को बदलने का और विश्व गुरु का जो आपने सपना दिखाया था, 15 लाख रुपए सबको देने की जो आपने कमिटमेंट की थी, वो प्रैक्टिकल हकीकत में उसको उतारना इतना आसान नहीं है।
यही रीजन है कि गुजरात इलेक्शन के बाद आप देखेंगे जितने इलेक्शन हुए हैं लगभग बीजेपी हर जगह जो है भले ही सरकार इन्होंने बनाई लेकिन वो हाशिए पे आते चले गए। क्लीन स्वीप जैसे यूपी तक पूरा का पूरा ये एक तरफ साफ कर देते थे, एक साइडेड वन साइडेड इनकी विक्ट्री होती थी, वो चीज पे ये लगाम लगा है, ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा डेंट है। जी अखिलेश जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर बीजेपी में मोदी लहर का जो फैक्टर था, क्या वो फैक्टर अब खत्म होता हुआ नजर आएगा अगर एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील होते हैं तो? नहीं बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बोला है, ये तो तय है। जी अखिलेश जी, नहीं नहीं मेरे से, मेरा भी नाम अखिलेश है, उस तरह से हमने जी अखिलेश जी सोलंकी जी आप बताइए। देखिए जिस तरह से अगर हम जिक्र करें, अगर लहर की बात है तो जमीन पर कोई लहर नहीं है, मोदी लहर बिल्कुल नहीं है। अब वो 2013-2014 का चुनाव अलग था, 2018 का चुनाव और जो लोकसभा का चुनाव होगा वो बिल्कुल अलग चुनाव होगा, और लहर नहीं है, रुझान भी ये बता रहे हैं। पोस्टल बैलेट के जो रुझान है उनको इग्नोर हम नहीं कर सकते हैं। जो अभी हमारे पास रुझान है 10 सीटों के रुझान, जिसमें से 4 बीजेपी, 3 कांग्रेस और 3 अन्य, ये तासीर बता रहे हैं। इस विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में जिस तरह से लड़ा गया ये बता रहा है कि बहुत नेक टू नेक ये चुनाव है। कोई भी प्रेडिक्ट जब कर रहा है तो ये कहता नजर आ रहा है कि बहुत नेक टू नेक जाने वाला है, और पोस्टल बैलेट जिनकी संख्या अच्छी खासी होती है, एक विधानसभा में औसतन 2000 के आसपास जो है पोस्टल बैलेट होते हैं। जो संघर्ष किया है, लाठियां खाई है, जेल गए हैं, धरने दिए, प्रदर्शन किए हैं, और भाजपा सरकार के नाकामियों को उजागर करके हमारी अच्छी चीजों को हमने सामने लाए हैं, उसका प्रतिफल है कि आज हम भारी जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। क्या लग रहा है सर, काउंटिंग शुरू होने वाली है बस थोड़ी देर में, कितनी सीटें लाने वाले हैं? देखिए अब सीटों के बारे में आकलन ऐसे नहीं होता है, पर ऐसा अंदर से आवाज आती है कि 130 से कम नहीं आएंगे, ऐसा बिल्कुल मन से बिल्कुल लगता है, जो फीडबैक भी मिल रहा है। आज सुबह सुबह एक कार्यकर्ता ने कहा साहब इट मे क्रॉस इवन अनइमेजिनेबल फिगर। अगर सरकार पूर्ण बहुमत में आती है तो मुख्यमंत्री किसको देखने वाले? कांग्रेस की आ रही है, पूरे देश में जनता बीजेपी के जुमलों से जनता का मोह भंग हो चुका है, और आज आप देखेंगे कि इन तमाम राज्यों में जनता कांग्रेस को आशीर्वाद देती नजर आएगी और बीजेपी के कुशासन, बीजेपी के भ्रष्टाचार का अंत करेगी। पूरे प्रदेश में और बाकी प्रदेशों में भी हम बात करें तो ईवीएम और स्ट्रॉन्ग रूम्स की सुरक्षा में कांग्रेस के सिपाही मुस्तैद थे, तो क्या आज आप संतुष्ट हैं कि पिछले 10 दिनों में जिस तरीके से 10-12 दिनों में सुरक्षा की गई है वो मुफीद रही? देखिए मध्य प्रदेश में हमने कई जगह देखा चुनाव के बाद ईवीएम कहीं होटल में पकड़े गए तो कहीं 48 घंटे बाद ईवीएम पहुंचे, तो कहीं बैलेट पेपर्स डस्टबिन में पुलिस हेडक्वार्टर में पड़े मिले, तो ये अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ अधिकारी जरूर लिप्त थे और कुछ अधिकारियों पे गाज भी गिरी है। इलेक्शन कमीशन ने भी उन पे उसका संज्ञान लेते हुए उनको सस्पेंड किया है। हम आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि इलेक्शन कमीशन अपना दायित्व फ्री एंड फेयर इलेक्शन का पूरा करेगी। तमाम अधिकारी जो इलेक्शन के काम में जुटे हुए हैं वो अपनी जवाबदारी का निर्वाह पूरी ईमानदारी के साथ करें। पोस्टल बैलेट्स को लेकर एक संशय था और सवाल भी उठाया था बार बार कांग्रेस ने उनकी सुरक्षा को लेकर, उनके जिस तरह से उनका हैंडलिंग हुई उनकी, तो पोस्टल बैलेट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए खास करके भोपाल की कंस्टिट्यूएंसीज के लिए, तो उनकी सुरक्षा को लेकर जो सवाल आपने उठाए थे उस पर आज क्या कहना? देखिए पोस्टल बैलेट्स को लेकर चिंता बड़ी थी जब PHQ भोपाल में कई 100 पोस्टल बैलेट्स डस्टबिन में पड़े मिले थे, और फिर संज्ञान में आया था कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट बहुत लेट दिए गए हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने उस बात का संज्ञान लिया और ये कहा कि काउंटिंग पहले तक पोस्टल बैलेट जो पहुंच जाएंगे उसको एंटरटेन किया जाएगा। हमें पूरा विश्वास है इलेक्शन कमीशन पे, इलेक्शन कमीशन इस बात को इंश्योर करेगा कि इलेक्शंस फेयर हो, कहीं कोई अधिकारी या कर्मचारी चाह के भी पार्शियलिटी नहीं कर। फिर एक बार वही सवाल, मुख्यमंत्री कौन, कमलनाथ, सिंधिया या कोई और? देखिए मुख्यमंत्री के मामले में राहुल जी लगातार कहते आए हैं कि हम चुनाव के बाद हमारे जीते हुए विधायक चुनेंगे और उस पर राहुल जी की मोहर लगेगी। साथ ही इस बार लड़ाई मुख्यमंत्री की नहीं थी, इस बार लड़ाई प्रदेश को माफिया राज से, गुंडा राज से, कुशासन से मुक्ति दिलाने की थी। हम तमाम कांग्रेस जन एकजुट होकर लड़े हैं और मैं धन्यवाद देती हूँ इस प्रदेश की जनता का, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने इस लड़ाई को बखूबी लड़ा और आज शाम तक
इस बीजेपी के कुशासन से हमें मुक्ति मिल जाए। शुभम जी, हाउ डू यू सी द रिजल्ट्स ऑफ 5 स्टेट्स इंक्लूडिंग द एमपी इलेक्शन स्पेसिफिकली? वी आर गोइंग टू विन इन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इवन तेलंगाना, वी आर क्वाइट होपफुल एंड मिजोरम। एज फार एज दिस हिंदी बेल्ट इज कंसर्न, आई वुड से पीपल हैव अपरूटेड करप्ट बीजेपी गवर्नमेंट्स हियर एंड हैव इंश्योर्ड दैट। इसमें तो लेकिन जिस प्रकार से हमारे राजस्थान में एक कांग्रेस के प्रति रुझान मिला है और पूरे देश के में रुझान मिल रहा है, तो एक लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर जो रुझान आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल में दिख रहा था, क्या वो वाकई में सच साबित होगा, क्या वाकई में नतीजों में तब्दील होगा। और बीजेपी से प्रवीण नापित जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत सर आपका। और सर सवाल भी मेरा आपसे ही होगा प्रवीण जी, जिस तरीके से एग्जिट पोल में बीजेपी के माथे पर कहीं ना कहीं शिकन ला के रख दिया है और कांग्रेस का उत्साह बढ़ा दिया, क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? लोकतंत्र के महापर्व में जनता ने जो जनादेश दिया है, हमें उस जनता के जनादेश करना चाहिए। एग्जिट पोल में देखिए मनीषा जी, एक्चुअल बात यह रहती है कि वो सैंपल साइज लिए और मध्य प्रदेश में 65,000 से 68,000 पोलिंग बूथ हैं। और मेरे जो एग्जिट पोल वालों से कल मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा देखिए वो जो था तो उन्होंने 55,000 और 56,000 के बीच में उन्होंने सैंपल सर्वे लिया, यानी एक पोलिंग बूथ पर व्यक्ति भी नहीं लिया। जब एक पोलिंग बूथ पर व्यक्ति भी आप एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो तो फिर एग्जिट पोल देने का आपका कोई अधिकार नहीं है। मैं और मेरी पार्टी कभी भी किसी मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कभी भी एग्जिट पोलों पर हमने कभी भी कोई एतराज़ नहीं किया। उनका एग्जिट पोल हमने लगातार चुनाव में आए, बाकी हमारे दूसरे अन्य राजनीतिक मित्र जब भारतीय जनता पार्टी को स्विंग दिखाते थे तो वो एग्जिट पोल पे कभी विश्वास नहीं करते, पर हमने ये कहा है आपके एग्जिट पोल पे भी हम विश्वास कर रहे हैं, जनता ने जो जनादेश दिया उस पर भी हम विश्वास कर रहे हैं। पर मेरा फिर भी कहना है कि इस बार का जो एग्जिट पोल आया है, देखिए आधे आधे चैनलों ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया है, आधे चैनलों ने भारतीय जनता पार्टी को लगभग बराबर की टक्कर दी है, तो आखिर हम कुछ एग्जिट पोल को माने? ठीक है सर, गौतम जी, मेरे करण अर्जुन आ गए। हाँ, और रही बात वापसी की, तो जो प्रथा इन लोगों ने शुरू की थी गरीबों को मतलब घर वापस भेजा, तो आज के दिन देश की जनता ने इनके रिजर्वेशन करा के ये फार्म कंप्लीट भर दिया है कि 2019 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, स्मृति ईरानी जी 2019 में अहमदाबाद वापस जाएंगे। अच्छा, और घर वापसी होगी इनकी निश्चित। ठीक है, तो घर वापसी की बात कर रहे हैं तो हवन किस लिए कर रहे हैं, कि कांग्रेस आ जाएगी इस खुशी में या फिर दुआ करें कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस तो आ चुकी है, ये तो कोई शुभ काम होता है तो घर में हवन होता ही है। अच्छा, तो उसके लिए हवन कर रहे हैं। हाँ जी गौतम जी, लगातार हवन पूजन भी किया जा रहा है, एग्जिट पोल भी कह रहे हैं कि आप जीत रहे, कितनी सीटें लाएंगे सर? 140, कांग्रेस कम से कम 140 सीटें जीतेगी और यहाँ के कुशासन से जनता को मुक्ति दिलाएगी। वर्षों से जनता शिवराज के अत्याचारों से पीड़ित है। इस प्रदेश में जहाँ पर ये बच्चियों के मामा बनते थे वहाँ 47,000 बलात्कार हुए हैं इनके पिछले कार्यकाल में। बलात्कार में नंबर वन बन चुका है मध्य प्रदेश, किसान आत्महत्या में नंबर वन बन चुका है, बेरोजगारी में नंबर वन बन चुका है। ये किस आधार पर ये दावा कर रहे थे कि 200 पार, आज 200 पार कहने वाला बीजेपी का एक भी प्रवक्ता नजर नहीं आ रहा है। क्यों नजर नहीं आ रहा है? क्योंकि इन्हें पता है कि हमारी ग्राउंड रियलिटी क्या है। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि 140 से अधिक सीटों पर जीतकर कांग्रेस अपनी सरकार आज बनाने जा रही है। मिश्रा जी जिस तरीके से कहा कि ये जो तमाम मुद्दे हैं, बलात्कार के मुद्दे हो गए, बेरोजगारी हो गई, सड़क हो गई, क्या यही वो फैक्टर है जो एग्जिट पोल को इस तरफ लेकर आ गया है? नहीं देखिए, एग्जिट पोल मैं, चलिए मैं मानता हूं कि चलिए एग्जिट पोल सही भी होंगे और गलत भी होंगे, दोनों होंगे। उसके पीछे एक सबसे देखिए, एग्जिट पोल जब ये लोग करते हैं, सैंपल सर्वे वगैरह लेते हैं, क्वांटिटेटिव टेक्निक यूज करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है, उसकी लिमिटेशन होती है। 4 करोड़ 5 करोड़ जिस स्टेट में वोटर हैं, मैं एमपी और राजस्थान की बात करूं, उसमें से 50,000 लोगों का आप सैंपल लेते हो तो 1/5 इतना परसेंट भी नहीं होता है, मतलब 1% भी नहीं होता है। फिर भी ये सही हो सकते हैं, कुछ कुछ गलत हो सकते हैं। देखिए, देखा ये जाए कि बीजेपी क्यों, मैं आपको बताऊं, मैं अभी भी वही चीज बोल रहा हूं, एक नेचुरल वियर एंड टीयर का कॉन्सेप्ट होता है, अपने आप को लगातार, अपने करिश्मा को, अपने अट्रैक्शन को मेंटेन करके रखना, स्पेशली इंडिया जैसे
देश में डेमोक्रेटिक कंट्री में और पॉलिटिक्स में 4 साल 5 साल तक बड़ा मुश्किल होता है। बीजेपी ने कोशिशें बहुत की लेकिन एक ने एक टाइम के बाद 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद ये चीज होता ही होता है कि आपका करिश्मा खत्म होगा। पहला रीजन ये है कि बीजेपी का करिश्मा खत्म होते जा रहा है। आप देखिए राम मंदिर का भी मुद्दा ये लोग उतना नहीं उठा रहे हैं। योगी जी चुनाव प्रचार करने के लिए गए हैं वहां पे तेलंगाना में, तो डेवलपमेंट की बात नहीं की। जो उनका सबसे ज्यादा हाईलाइटेड रहा वो ये रहा कि ओवैसी यहां से भागेंगे, उसके पीछे रीजन है। कहीं ना कहीं इनको भी लग रहा है कि 15-15 साल से एक ही गवर्नमेंट है, रमन सिंह जी है, वसुंधरा राजे है, तो पब्लिक जो मोनोटोनस नेचर है वो तोड़ना चाहती है। इसका बेनिफिट नेचुरल वे में कांग्रेस को बेनिफिट इसलिए नहीं मिलेगा कि कांग्रेस ने कोई बहुत अच्छा काम किया है। आप सत्ता में हो ही नहीं तो आप काम क्या करोगे? आपके पास एक ही काम है कि जो पक्ष सत्ता में है उसको क्रिटिसाइज करना, उनके कमियों को उजागर करना, इसके सिवा और कोई काम नहीं है। ठीक है सर। कैंपेनिंग देखा जाए तो दोनों की कोई बहुत अट्रैक्टिव कैंपेनिंग नहीं है, जिसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ कि क्लीन स्वीप वाला या लहर वाली चीज दोनों के लिए नहीं दिख रही है। सोलंकी जी, जिस तरीके से बीजेपी के बड़े चेहरे चुनाव प्रचार में उतरे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई रैलियां की, कई जनसभाएं की, लेकिन वो जो फैक्टर था कि जिस मुद्दे पर जनता वोट डालेगी, विकास का मुद्दा, वो उसकी बात ना करके हिंदू मुस्लिम धर्म जाति की बात में उलझे रह गए, शायद एग्जिट पोल यही दर्शा रहा है। सोलंकी जी, देखिए जिस तरह से एग्जिट पोल की बात करें, एग्जिट पोल से थोड़ा सा आगे अब हम बढ़ जाएं, क्योंकि पोस्टल बैलेट के रुझान साफ तौर पर आ रहे हैं, बहुत तेजी से आ रहे हैं। जरा स्क्रीन को अगर हम देखने की कोशिश करें, मध्य प्रदेश में जिस तरह से कहा गया कि कांग्रेस की सरकार आती दिख रही है एग्जिट पोल में, लेकिन अभी तक के जो शुरुआती रुझान है पोस्टल बैलेट के ही सही, 12 सीटों में से 8 पर बीजेपी की बढ़त दिख रही है, 3 पर कांग्रेस, 3 पर अन्य। छत्तीसगढ़ में भी आप देखें नेक टू नेक इलेक्शन की बात कही गई थी, वहां से तस्वीर कुछ उसी तरह की उभर रही है, और राजस्थान में कांग्रेस को एज है ये एग्जिट पोल ने कहा था, कुछ उसी दिशा में चीजें बढ़ रही है। 8 और 5 का आंकड़ा है, 8 कांग्रेस को, 5 बीजेपी को, तो एग्जिट पोल तो हो चुके हैं, लोगों ने अपने समीकरण रुझान दिए। और जिस तरह से मिश्रा जी कह रहे हैं कि सैंपल साइज बहुत छोटा होता है, वो सत्य भी है। यही रीजन है सर, कर्नाटका में भी एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे, कर्नाटका में भी एग्जिट पोल बहुत से गलत साबित हुए थे। ये क्वांटिटेटिव टेक्निक की लिमिटेशन है, हमने दिल्ली के भी पहले देखे थे। जी बिल्कुल, जिस तरह से हमने देखा दिल्ली में भी गलत साबित हुए थे एक बार, तो एग्जिट पोल हो चुके हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि अब एग्जैक्ट की बारी है, जनता तो वोट कर चुकी है, बहुत अटकलें लग गई, कयास लग, एग्जिट पोल ओपिनियन पोल कयास से ज्यादा कुछ होता नहीं। असली खेल जो है वो 8:30 के बाद शुरू होगा, जब ईवीएम की गिनती शुरू होगी। पोस्टल बैलेट एक तरह से हमें रुझान देना शुरू कर रहा है कि देखिए कर्मचारी जो है, सरकारी कर्मचारी जो है वो किसकी तरफ है। सरकारी कर्मचारी का वोट इस वक्त मध्य प्रदेश में बीजेपी की तरफ जाता नजर आ रहा है, जो शुरुआती रुझान है उनका अगर मैं जिक्र करूं। आम जनता किसकी तरफ है, क्योंकि जो एग्जिट पोल हो या आम जनता से चर्चा हो या पत्रकारों से बात हो, ये कहते नजर आते हैं कि देखिए मध्य प्रदेश में शहरी मतदाता जो है कमोबेश बीजेपी के साथ है, लेकिन ग्रामीण मतदाता जो है बहुत नाराज है और एक तरह से कांग्रेस के साथ जाता नजर आएगा, जबकि बीजेपी को लगता है कि सबसे बड़ा हितग्राही जो है उनका गांव में ही बैठा है, चाहे बिजली बिल माफी योजना की बात हो, किसानों को लेकर योजना की बात हो। तो बड़ा रोचक होगा, अगला एक घंटा बहुत कुछ तस्वीर साफ कर देगा। ये रुझान बहुत कुछ कह रहे हैं और ये पोस्टल बैलेट के रुझान जो एग्जिट पोल होते हैं उनसे बड़ा डाटा होता है, जैसे मैं बता रहा हूं कि भोपाल जिले में ही 15,000 से ज्यादा पोस्टल बैलेट है। जी प्रवीण जी, जिस तरीके से चुनाव प्रचार आप लोगों ने किया, विकास, सड़क सुरक्षा, महिला सुरक्षा, रोजगार, क्या इन मुद्दों से आप लोग अछूते रह गए? नहीं, कभी नहीं। होने दीजिए, क्या है कि ये प्रोपेगेंडा, होने दीजिए, ये भ्रम, हवन पूजा भी हो रहा है और उन्होंने निर्दलीयों से भी संपर्क साधने की कवायद उन्होंने शुरू की है, इसका मतलब आप देख सकते हैं क्या स्थिति है उनकी भी। हवन कर रहे हैं, राहुल गांधी की भी फोटो है, सोनिया गांधी की भी फोटो है, लड्डू का ऑर्डर भी अभी अभी 9-10 बजते बजते तस्वीर साफ हो जाएगी। देखिए भारत का मतदाता परिपक्व हो गया है, वो विकास और सुशासन पे चलना चाहता है, और भारतीय जनता पार्टी ने जहां जहां शासन दिया, जिन जिन राज्यों में दिया, हमने विकास और सुशासन के बड़े पैमाने तय किए जिससे जनता को राहत मिली है। पूरा भरोसा है सर? हाँ, मुझे पूरा भरोसा है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। हाँ हाँ, बहुमत से सरकार बनाएंगे, पूरा भरोसा है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर।
तो लगातार हम चर्चा यही कर रहे हैं कि एग्जिट पोल क्या कुछ कह रहे थे और अब जो रुझान आ रहे हैं वो रुझान कहीं ना कहीं शुरुआती रुझान है लेकिन बीजेपी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। चर्चा पर वापस चलेंगे। प्रवीण जी, आपसे मैं ये पूछ रही थी कि जो मूलभूत मुद्दे होते हैं, सुरक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार, क्या इन मुद्दों से बीजेपी प्रचार में अछूती रह गई, साध पाई है जनता को? मनीषा जी, हमने जो 14 साल 15 साल में जो शासन किया उसका सबको जिक्र है, उसकी चर्चा हमने करने के बिल्कुल भी कोशिश नहीं की है। हमने नया रोड मैप दिया है, हमने मध्य प्रदेश को समृद्धि की ओर ले जाने की बात की है। जो बीमारू मध्य प्रदेश, आप अगर कभी दिल्ली से बैठ के देखते होते तो कभी मध्य प्रदेश की जो चर्चा होती थी वो बीमारू राज्य की ओर होती थी। लोग जब सड़कों से किसी दूसरे तस्वीरें आप देख सकते हैं, वसुंधरा राजे यहां पर प्रार्थना कर रही हैं, पूजा अर्चना कर रही हैं कि इस बार जो नाराजगी जनता की है वो नतीजों में दिखाई ना दे। और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, राजस्थान से आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, वसुंधरा राजे झावरा पाटन से वसुंधरा राजे ने चुनाव लड़ा है, उनके सामने मानवेंद्र सिंह। टक्कर यहाँ पर भी जोरदार थी, वसुंधरा राजे के सामने मानवेंद्र सिंह बड़े चेहरे हैं, बाड़मेर से, जैसलमेर से एक बार सांसद रहे हैं, शिव सीट से विधायक रह चुके हैं, कांग्रेस के 3 बार उम्मीदवार रह चुके हैं और एक अच्छी भूमिका उनकी भी वहां पर है, अच्छा वोट बैंक उनका भी है। और अगर वसुंधरा राजे की बात की जाए तो 3 बार से विधायक हैं लेकिन यहां पर नाराजगी उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल से जरूर लोगों में दिख रही थी और यही वजह थी कि मोदी से कोई बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं के नारे लगाए गए। राजस्थान में जो तस्वीरें थी, जो नाराजगी थी जनता की, वो दिखाई दी है। तो ये नाराजगी जो है उसका असर वोट पर ना पड़े, चुनाव नतीजों पर ना पड़े। और ये प्रार्थना पूजा अर्चना करने पहुंची हैं वसुंधरा राजे। आज फैसला हो जाएगा कि फिर से कायम रह पाएंगी या नहीं, या जो प्रचलन चला आ रहा है राजस्थान में कि सत्ता परिवर्तन होता ही है 5 सालों में, वो बरकरार रहेगा। तस्वीरें आप सीधी देख पा रहे हैं, वसुंधरा राजे मंदिर पहुंची हैं, पूजा अर्चना कर रही हैं और खास तौर पर जब चुनाव होते हैं, जब परिणाम आते हैं तो भगवान की याद तो जरूर आती है और तमाम लोग पूजा अर्चना करने पहुंचे और इस बार तो चुनाव प्रचार में भी खूब पूजा अर्चना हुई है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर हर जगह पर जाया जा रहा था और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो धर्म जाति का फैक्टर है वो तो दिखता ही है लेकिन यहाँ पर सच्ची प्रार्थना करने जरूर पहुंची है वसुंधरा राजे की, इस बार सत्ता वापसी दिला दे भगवान, तो अगली बार हो सकता है कि जनता की नाराजगी को दूर किया जाए। चलिए वापस चर्चा पर चलेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट अरविंद जय तिलक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, स्वागत है आपका हिंदी खबर पर। और जिस तरीके से एग्जिट पोल आए उस पर हम चर्चा कर रहे थे लेकिन जो आप रुझान आ रहे हैं वो बीजेपी की तरफ, एग्जिट पोल दाएं, रुझान बाएं, नतीजे क्या कुछ हो सकते हैं? मनीषा जी, पहला रुझान जिस तरह से देखने को मिल रहा है उससे साफ है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी 15 साल के शासन के बावजूद भी कांटे की टक्कर दे रही है, उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो यह मान करके यह परसेप्शन तो बन ही जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये जनादेश नहीं आ रहा है। हाँ, राजस्थान में जरूर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती दिख रही है लेकिन जब तक उदयपुर संभाग का क्षेत्र जहाँ पे 59 जो है लगभग सीटें हैं और जो आदिवासी जनजाति दलित पिछड़ों की है, यहाँ पर जिसकी बढ़त होगी वो जान लीजिए राजस्थान में हुकूमत उसी की होगी। पिछले चुनाव में देखेंगे कि 59 सीटों में 50 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी और लगभग उसके पीछे चले जाएंगे विधानसभा चुनाव में तो 34 सीट कांग्रेस जीती थी। तो इस क्षेत्र का जब तक सामने नहीं आएगा तब तक अभी कुछ कहना मुश्किल है। फिलहाल कांग्रेस बड़ा दिख रही है लेकिन अभी भाजपा को यह मान लेना कि वह जो है टक्कर से बाहर हो जाएगी अभी थोड़ा कहना मुश्किल है। जी जी मनीषा, सोलंकी जी, जिस तरीके से मत प्रतिशत बढ़े हैं, जनता जागरूक हुई है, ये जो मत प्रतिशत बढ़े हैं ये किस ओर माना जाए? क्या ये जन आक्रोश जो है वो कामकाज से खुश होकर बीजेपी के पक्ष में वोट कर रही है या नाराजगी दिख रही है और विपक्ष की तरफ सारे वोट चले गए हैं? देखिए, जिस तरह से मत प्रतिशत बढ़ा है, दोनों दलों के अपने अपने दावे रहे हैं कि मत प्रतिशत उनके पक्ष में गया है, बड़ा हुआ, लेकिन
अभी तक जो रुझान है, और हम इस पूरे रुझान को थोड़ा समझने की भी हम कोशिश करें, पोस्टल बैलेट का रुझान ये कह रहा है, अगर हम इस आधे घंटे की तासीर को समझें, कि मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारी जो है बीजेपी से नाराज नहीं है। राजस्थान में एक तरह से बड़ी मैसिव लीड हो गई है कांग्रेस की, 20 सीटों पर आगे चल रही है अगर कर्मचारियों के वोट की बात करें। छत्तीसगढ़ में नेक टू नेक चल रहा है, ये बता रहा है कि कर्मचारी जो है बीजेपी के साथ खड़ा इस वक्त नजर आ रहा है। कांग्रेस शायद उस तरह से अपील नहीं कर पाई, जहां तक आप वोट परसेंटेज बढ़ने का मनीषा जिक्र कर रही थी, तो माना यह जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों में वोट बढ़ा है, और कांग्रेस ये तर्क देती रही लगातार कि ग्रामीण इलाकों का वोट परसेंटेज उनके हक में जाएगा, जबकि बीजेपी और उनके रणनीतिकार ये मान रहे थे कि जो सरकार ने अच्छा काम किया, खासतौर से बिजली बिल माफी की बात हो या संबल को लेकर हम ग्राउंड पर बहुत देखते थे, जो मजदूर वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, वो गरीब तबका शिवराज के साथ खड़ा नजर आया। संबल योजना जो है या लाडली लक्ष्मी योजना के जो हितग्राही है, हितग्राहियों को बीजेपी ने जमकर साधा है, ये वोट परसेंट वहां बढ़ा है। असली आंकड़ा जो है अब खेल शुरू होगा 8:30 के बाद, जब ईवीएम की गिनती शुरू होगी और आम लोगों की गिनती शुरू होगी। मनीषा एक और मैं बात जोड़ दूं यहां पे, जो हम तस्वीर देख रहे थे बांसवाड़ा डूंगरपुर की तस्वीर थी, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर वसुंधरा राजे पहुंची थी, पिछले चुनाव में भी पूरा रिजल्ट उन्होंने वहीं देख बैठकर देखा था, उम्मीद उन्हें वहां थी कि माता का आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन फिलहाल उस तरह से चीजें बनती नजर आ नहीं रही। रुझान धीरे धीरे आ रहे हैं और धुंधली तस्वीर भी साफ हो जाएगी। ए के मिश्रा जी हमारे साथ लगातार बन रहे हैं। मिश्रा जी, जिस तरीके से शोभा ओझा को अभी हम सुन रहे थे, पूरी आश्वस्त है कांग्रेस की सरकार बन रही है, पूरी आश्वस्त है कि पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे पर कोई भी कांग्रेस से बोलने को राजी नहीं, क्या कुछ लगता है? नहीं देखिए, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जितने भी स्टेट है कंपटीशन बड़ा नेक टू नेक होगा। अब यहाँ पे सवाल ये होगा कि लास्ट में अंततोगत्वा सरकार कौन बनाएगा, उसके पीछे रीजन है। देखिए अभी जो बोल रहे हैं भाई, सारी पार्टियों के लोग बोलेंगे हम जीतेंगे और मेरी तरफ से सबको शुभकामनाएं हैं। आप देखिए, अब यहां पे सवाल ये आ जाएगा, जब कंपटीशन नेक टू नेक हो जाए, यानी 15-20 सीटों का हेर फेर हो, कम या ज्यादा, चाहे कांग्रेस के लिए चाहे बीजेपी के लिए, तो दक्षता किसकी है, एक्सपर्टाइज किसकी है ग्राउंड लेवल पे? आप ये देखिए, एमपी में भी एग्जिट पोल बोल रहे थे कि भाई बीजेपी, या छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी के अगेंस्ट थे, लेकिन मैं हमेशा बोलता था बूथ लेवल पे वोटरों को निकलवाना वोटिंग के दिन, क्योंकि बूथ लेवल पे बीजेपी के पास बहुत ज्यादा मैन पावर है, इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो ये करते क्या है कि अपने वोटरों को निकलवा के उसको फाइनल वोट में कन्वर्ट करवा देते हैं, और कहीं पे भी जो डिसीजन होता है वो 4-5% का जो वोट होता है उसी से क्लीन स्वीप होता है, हार या जीत होती है। तो अगर आप 5% का डाटा देखेंगे जो कि जो डिसीजन देता है किसकी सरकार बनेगी किसकी वो नहीं होगी, तो वहां पे भी आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ वगैरह और यहां पर भी एमपी में जो है मुझे चांसेस अच्छे लगते हैं। छत्तीसगढ़ में जो आपके अजीत जोगी जी हैं, ये एक बैलेंस का फैक्टर करेंगे, क्योंकि इसके पहले इलेक्शन में कांग्रेस के वो चेहरा थे और केवल 5% का ही मार्जिन रह गया था उनका, जो है काफी अच्छे वोट उन्होंने लिए थे। मुझे लगता है 7-8 सीटों का हेर फेर जो है वो करेंगे, बीजेपी वहां पर भी मार्जिन उसमें आ जाएगी। राजस्थान में भी मुझे लगता है, देखिए राजस्थान में आप देखेंगे ना, तो लास्ट इलेक्शन में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बहुत बड़ा गैप है, चाहे परसेंटेज ऑफ वोट का हो, चाहे नंबर ऑफ सीट का हो। बिल्कुल, इतनी सीटों को कवर करना, यानी कि अप्रोक्सीमेटली डबल का जो है जंप मारना, क्या इतना जबरदस्त मैनेजमेंट कांग्रेस का रहा है बूथ लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे, कि इतने वोटरों को, देखिए हवा तो नहीं चल रही है, लहर तो नहीं चल रही है, सारे एनालिस्ट बोल रहे हैं, तो जो ग्राउंड लेवल पे वोटिंग डे के दिन अपने वोटरों को निकाल के वोट में कन्वर्ट करवा देगा, उसकी यहां पे जो है जीत हो जाएगी। यही फैक्टर मुझे ये लगता है कि अगर लास्ट मोमेंट पे राजस्थान में नेक टू नेक फाइट हुई या बीजेपी अगर आगे हुई, अभी बहुत सारी खूबियां मैं आपको बताऊंगा बीजेपी, जिसको प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स बोलते हैं, कि लास्ट दिन, लास्ट के दो दिन कैसे ये वोटों को जो है मैक्सिमाइज कर लेते हैं, तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी कि बीजेपी बहुत अच्छी फाइट दे दे या मार्जिनल उससे वो जो है वो जीत जाए वहां। बिल्कुल, और रुझान भी अब हम आपको जरा अपडेट कर दे कि 34 सीटों में से 26 बीजेपी को मिल रही है, 4 कांग्रेस को और अन्य को 4। तो अभी भी बीजेपी की तरफ जा रहा है रुझान। देखिए आप अगर बीजेपी के होंगे तो सर खुश मत होइए, मुझे अभी दूसरे लोग जो है बुरा बोलने लगेंगे, प्रवक्ता ये है। अभी देखिए मैं ये मानता हूँ कि लगभग दो दिन, मैं मिश्रा जी बात ये कर रहा था एग्जिट पोल की, जो आपकी बात को लेके कर रहा हूँ। मिश्रा जी मेरा निवेदन तो सुन लें आप। हाँ बताइए बताइए सर। मेरा मैं हम हमेशा, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया, सबकी इज्जत और सम्मान रखते हैं। हमने कभी या हमारे प्रवक्ता ने कभी नहीं कहा कि आप किसकी भाषा बोल रहे हो। मेरा निवेदन ये था, आपने जो दो दिन का कहा, राजनीति में हर व्यक्ति को जो चुनाव लड़ता है उसके लिए दो दिन बहुत होते हैं।
कोई समाज अगर नाराज हो जाता तो उसको बना लिया जाता, वो एग्जिट पोल में नहीं आता है। रात भर में अगर कोई व्यक्ति मुझसे किसी विशेष व्यक्ति के, कई बार क्या होता है किसी प्रत्याशी या पार्टी के कार्यकर्ता ने किसी व्यक्ति के वो बीमार है उसके दिन उसने गाड़ी नहीं दी तो वो पूरा गांव का गांव नाराज हो जाता है। ठीक है सर, तो कई बार कई चीजें बहुत छोटी रहती है। रुझान फिलहाल जो आ रहे हैं वो मनाना की तरफ 42 सीटें मनाना वहां तक पहुंच रही है और कांग्रेस की तरफ 18 सीटें। गौतम जी 140 सीटें लाने की बात आप लोग कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों में लड़ाई किस बात की है? क्या मुख्यमंत्री के चेहरे पर लड़ाई हो रही है? इस बात को आप नकार भी नहीं सकते हैं, गुटबाजी दिखती है कांग्रेस में सर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुख्यमंत्री के चेहरे की कांग्रेस में कभी कोई लड़ाई देखी है आपने? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह को आपने लड़ते देखा है? ये सारी समर्थकों को लड़ते देखा है हमने। बीजेपी की डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है, उसका पूरा प्रोपेगेंडा है, आपने ये देखा है सर? हमने देखा है समर्थकों को लड़ते हुए, एक तरफ से नारेबाजी आती है ज्योतिरादित्य सिंधिया बनेंगे मुख्यमंत्री, दूसरी तरफ से आती है कमलनाथ बनेंगे। चेहरा साफ कर देते आप, समर्थ अगर लड़ाई नहीं थी तो चेहरा साफ कर देते। नहीं नहीं सर, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, पिछले इलेक्शन में सर आपकी कितनी सीट थी? रणनीति होती है क्या उत्तर प्रदेश में, क्या महाराष्ट्र में, क्या उत्तर प्रदेश में, क्या महाराष्ट्र में बीजेपी ने चेहरा साफ किया था? मध्य प्रदेश में उन्होंने चेहरा साफ किया अलग बात है, क्या उत्तर प्रदेश में उन्होंने चेहरा साफ किया था, क्या महाराष्ट्र में चेहरा साफ किया था? केवल इसी के आधार पर जीत नहीं होती है, जीत होती है अच्छी नीतियों की। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जीत नहीं होती है, गुटबाजी के आधार पर कई बार हार हो जाती है और उसने खुलकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। सोलंकी जी, जिस तरीके से एग्जिट पोल को अगर मानो हम सच मान भी लेते हैं या फिर जो भी नतीजे आएंगे उसके आधार पर, तो 2019 लोकसभा चुनाव कहीं ना कहीं उसे इफेक्ट करेगा। पिछली बार जैसे 27 सीटें मध्य प्रदेश से मिली थी 29 में से, इस बार लोकसभा में क्या कुछ देखने को मिल सकता है, कितना असर होगा इन नतीजों का? देखिए लोकसभा का, बिल्कुल लोकसभा का पूरा असर देखने को मिलेगा अगर मोमेंटम सेट होता। देखिए इस चुनाव का आंकड़ों से ज्यादा मोमेंटम पर होगा। अगर ये तीन हिंदी हार्टलैंड में बीजेपी जीतती है या दो राज्य जीत के और राजस्थान में हार जाती है, उनके पास कहने को ये होगा कि वहां तो हर 5 साल में सरकारें बदलती रहती है, जिस तरह के अनुमान अभी दिख रहे हैं। एक मोमेंटम बनता, अगर मोमेंटम उस तरह से गेन होता है तो 2019 की जो तस्वीर होगी मोदी के लिए राह आसान हो जाएगी आज की डेट। अगर ये हिंदी हार्टलैंड में हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं राह मुश्किल होगी, क्योंकि जो विदिंदा पार्टी के जो डिसिडेंट्स हैं, जो बागी हैं, जो मोदी को पसंद नहीं करते हैं, वो पुरजोर तरीके से सामने आना शुरू कर देंगे जी। और ये रुझान जो बता रहे हैं मध्य प्रदेश में, इस रुझान पर भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं। 40 सीटों का रुझान है, 22 पर बीजेपी, 9 पर कांग्रेस और 9 पर अन्य की बात बताई जा रही थी। बड़ी मजेदार जिक्र यह हो रहा है कि मध्य प्रदेश में जो बसपा और कांग्रेस का अलायंस नहीं हो पाया वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को डेंट करेगा। ये जो पॉलिटिकल पंडित है वो भी समझते हैं, जो समझदार लोग हैं, कि जो अलायंस हो जाता तो जो अन्य की सीटें इतनी दिख रही, इतनी अन्य की आएंगी नहीं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान करते नजर आएंगे। तो बड़ा रोचक ये तथ्य होगा। और 2019 का विधान लोकसभा चुनाव जो है ये 18 की दिसंबर महीने में जो सरकारें गठन होंगी, जो इस वक्त तस्वीर नजर आ रही कि नेक टू नेक फाइट में 15 साल के बाद भी अगर आप हैं तो वो बहुत कुछ कहता है। मिश्रा जी जो कह रहे थे कि देखिए कांग्रेसियों का उस तरह से वजूद दिखता नहीं, कारण यह है कि 15 साल से सत्ता का वनवास है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस का कैडर है, अशोक गहलोत की अपनी एक अपील है और यही कारण है कि कांग्रेस वहां पर 62 में से 42 सीटें फिलहाल शुरुआती रुझान में लाती नजर आ रही है। गहलोत का करिश्मा राजस्थान में कांग्रेस को एज दिला सकता है, जिस तरह का अनुमान है जी। अरविंद जय तिलक जी, जिस तरीके से भले एग्जिट पोल कह रही हो कि कांग्रेस जीतेगी, लेकिन रुझान कह रहे हैं बीजेपी, रुझान धीरे धीरे साफ कर देंगे तस्वीर की क्या होगी, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा जो साफ नहीं हो पाया, क्या कांग्रेस उसका नुकसान भी हो सकता है? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस अगर मध्य प्रदेश में पिछड़ रही है तो इसके कई कारण हैं। एक तो इनका कोई स्पष्ट चेहरा नहीं था, बाद में देखा गया कि आपस में ही लोग लड़ रहे हैं कमलनाथ जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, तो इसका भी जनता में जो है परसेप्शन बहुत सही नहीं गया। दूसरी चीज़ यह कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में, आपको मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश के 51 जिलों में लगभग 19 जिलों में मुस्लिम हैं जिनकी संख्या 1 लाख से ऊपर है। कमलनाथ जी बहुत कोशिश किए कि उनका ध्रुवीकरण कराएं, लेकिन वो लगा कि उनके खिलाफ ही जा रहा है। और आप चुनाव के दिन भी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एड दिया था कि 90% मतदान हो, तो कहीं ना कहीं उनका संकेत था कि हिंदू जमात जो है वो अभी जो है आ करके जो है मतदान करे, इसलिए मतदान का प्रतिशत बढ़ा। यहाँ ध्यान यह भी रखना होगा मनीषा जी कि जब भी मध्य प्रदेश में मतदान बढ़ा है भाजपा को लाभ हुआ है। आप देखिए 2003 में जो है 67%, 2008 में जो है आपका जो है 2% बढ़ गया, फिर इसके बाद भी बढ़ा है, इस बार ज़्यादा बढ़ा है, तो यह भाजपा के पक्ष में गया है।
और चेहरा न देने का तो कुपरिणाम इनको भुगतना ही पड़ेगा। रुकना चाहेंगे संवाददाता मोहित छत्तीसगढ़ से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। मोहित, छत्तीसगढ़ में क्या कुछ जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है? मतगणना शुरू हो चुकी है, क्या कुछ है जमीनी स्तर पर, कितना उत्साह है लोगों में? विभाग के एक अधिकारी जो संपर्क हमारा नहीं हुआ है, लेकिन लगातार कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क साधने की। प्रवीण नापे जी, आप ये बताइए, जिस तरीके से लगातार देखिए क्रिटिसाइज तो सर किया जा रहा है, जिस तरीके से महिला अपराध बढ़ा है मध्य प्रदेश में, वो फैक्टर है जो आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है, बेरोजगारी भी है, आपको ये मानना पड़ेगा, तो शिकन तो सर है, सर शिकन तो है आपके चेहरे पर एग्जिट पोल से। मनीषा जी, मैं खुशी और शिकन दोनों को बहुत बराबर पर रखता हूँ। शिकन देखिए, राजनीति में हम काम करते हैं, राजनीति में जब हम काम करते हैं तो हमको थोड़ा सा कहीं ना कहीं धैर्य रखना पड़ता है, मैं उस धैर्य की रखे हूँ। बाकी ये भ्रम फैलाया गया, देखिए महिलाओं का जो सशक्तिकरण से लेकर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और ये तमाम जो सारी योजनाएं, जितनी भी इस योजना थी वो महिलाओं के लिए निकाली थी। आप ये देखिए, अगर महिला मजदूर है, आप ये मुझे ये बताइए, जो सरकारी कर्मचारी हैं उसको अगर हमने गर्भावस्था के दौरान छुट्टी दी है तो देश में किसी ने नहीं दी है, आफ्टर पहले भी दी है और अभी ये 6 महीने बाद में भी दी है कि आप बच्चे का लालन पालन करिए। तो सारी योजना, ये जो डर्टी पॉलिटिक्स की बात है, उन्होंने क्या, इनके पास कोई मुद्दे तो थे नहीं, अब मुद्दे नहीं थे तो क्या किया जाए, महिलाओं का अपराध बढ़ा जाए, वो एक ऐसा फैक्टर होता है, बहुत सेंसिटिव रहता है। पर उन महिलाओं ने, महिलाओं का अपराध बढ़ गया सर, वो घटना सही है, वो आंकड़े सही है सर, नहीं ऐसा कुछ नहीं, देखिए छत्तीसगढ़ से संवाददाता मोहित लगातार हमारे साथ बने हुए। मोहित, छत्तीसगढ़ के जो रुझान हम देख पा रहे हैं, कांग्रेस से आगे चल रहे, 25 सीटें कांग्रेस को मिली है, बीजेपी 19, क्या कुछ प्रतिक्रिया है वहां पर जमीनी स्तर पर? लगातार सभी प्रत्याशी और जिसको भी कार्यकर्ता है प्रदेश में जीत का दावा कर रहे हैं और सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। अभी हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से भी बात हुई थी जो मौके पर पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि हम प्रदेश में सरकार बना रहे हैं, प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल रही है, जनता ने, किसानों ने और प्रथम श्रेणी कर्मचारियों ने लगातार उनका साथ दिया है, इस बार कांग्रेस प्रदेश में सरकार बनाने का दावा कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया मोहित आपका, और लगातार आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे क्या कुछ छत्तीसगढ़ में चल रहा है और जनता का मूड किस तरीके से अब नतीजों में तब्दील होगा, यह भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे। सोलंकी जी, जिस तरीके से प्रवीण जी ने तो साफ कह दिया कि मुद्दे नहीं थे तो ये अपराध बढ़ा दिए, सर ये अपराध आंकड़े झूठे थे क्या, तो बहुत गलत आरोप लगा दिया। देखिए, आंकड़ों झूठे की बात इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि केंद्र सरकार की रिपोर्ट के आधार पर ही कमलनाथ ने आरोप लगाना शुरू किया, तो मध्य प्रदेश वैसे भी बदनाम रहा है, चाहे एट्रोसिटीज की बात हो या महिला अपराध की बात हो, उस तरह से बात हो, तो नापित जी अपनी बात कह सकते हैं, वो डिफेंस उन्हें करना है पार्टी का, तो उनका फर्ज भी है, उसी तरह से निभा रहे, कभी कभी तथ्यात्मक गलती हो जाती है, नापित जी से जवाब लेते हैं। नापित जी, जिस तरह से तथ्यात्मक गलती कर रहे हैं आप, सीधा सीधा नहीं, कुछ तथ्यात्मक जैसे यह भ्रम फैलाए कि मैं, अरे आप ये तो भोपाल में, चाहे इंदौर में, जबलपुर में, ग्वालियर में गरबा होता है, गणेश जी में होता है, नवरात्रि में होता है, उस गरबे या कहीं किसी भी दौरान कोई घटना नहीं घटी। अब देखिए, कुछ चीज़ें सामाजिक बुराई होती हैं, सामाजिक बुराई में देखिए, कोई अगर मैं ऐसी बातें कहना नहीं चाहता, देखिए कभी भी 6 साल की बच्ची के साथ अगर कोई घटना घटती है उसके लिए कोई सरकार दोषी हो सकती है क्या? समाज में घटनाएं बढ़ रही है, बलात्कार हो रहे हैं, समाज को जिम्मेदारी कौन रोकेगा? मैं मानता हूँ, देखिए उसमें, देखिए समाज में सभी वर्ग को उसके लिए आके अवेयरनेस की जरूरत है। और आप मुझे ये बताइए, ये ऐसी और ऐसी परंपरा और ऐसी व्यवस्था के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा उसका कंडम करती है, और सभ्य समाज में ऐसी घटनाओं के लिए कभी कोई जगह नहीं है, और कभी भी कोई चीज़ों के लिए बड़ा बहुत, हम लोग भी परिवार के लोग हैं, हमको बड़ा दिल रोता है जब हम अखबार में ऐसी घटनाएं पढ़ते हैं, पर निश्चित रूप से पुलिस सड़क पे है, पुलिस समाज के बीच में है, सब कुछ रहती है, सुरक्षा के मापदंडों में कहीं कोई गलती नहीं की है, महिलाओं की जो पुलिस की जो भर्ती है। मुझे लगता है कि आप लोगों को शायद उस तरह से कन्विंस नहीं कर पाए, आंकड़े जो बता
बता रहे हैं, रुझान जो बता रहे हैं वो आपके लिए अब अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। जिस तरह से बहुत बढ़त पे थे, 33 और 30 कांग्रेस 30 सीट पर अब लीड करती नजर आ रही मध्य प्रदेश में। नेक टू नेक रहेंगे, नेक टू नेक इलेक्शन है, और अगर आप कन्विंस कर पाएंगे तभी आप 116 क्रॉस कर पाएंगे, नहीं तो आपके लिए तकलीफें होंगी, ये आंकड़ा बता रहा है। रुझानों का मनीषा हम लगातार जिक्र करते चले बातचीत के दौरान, मध्य प्रदेश में 33 और 30 का आंकड़ा यानी कि 3 सीट की लीड है, राजस्थान में कांग्रेस लीड पर है 55 और 34। जी यानी देखिए वो बराबरी दिख रही है, छत्तीसगढ़ में कुछ भी कहना मुश्किल है, वो बराबरी दिख रही है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है सोलंकी जी, और ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी मुश्किल की बात हो सकती है। गौतम जी कितना और कॉन्फिडेंस आपको तो आ रहा होगा, क्योंकि एग्जिट पोल भी कह रहे रुझान भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं बता रहे हैं। देखिए ये आंकड़े तब हैं, ये पोस्टल बैलेट के आंकड़े हैं, और ये आंकड़े तब हैं जब बहुत सारे पोस्टल बैलेट पीएचक्यू की कैंटीन में पड़े मिले थे, और 8 तारीख को हमारे पास एक व्यक्ति आया था जो सरकारी कर्मचारी था, और उसने कहा कि पोस्टल बैलेट समय पे हमको डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, जबकि 26 तारीख पोस्टल बैलेट बटने की आखिरी थी, उसको 8 दिसंबर को वो पोस्टल बैलेट मिला है, वो कैसे अपना वोट कास्ट कर पाया होगा ये भी शोचनीय प्रश्न है। उसके बावजूद अगर कांग्रेस इतनी बढ़त पर है तो मुझे पूरा विश्वास है कि जब असली नतीजे ईवीएम के शुरू होंगे तो कांग्रेस एक बड़ी बढ़त हासिल करेगी। जी जिस तरीके से मिश्रा जी यहां पर हम लगातार देख रहे हैं कि रुझान किस तरफ जा रहे हैं, 34 बीजेपी और 40 कांग्रेस, देखिए अब तो बढ़त भी बना ली, क्या लगता है अब ये जो एग्जिट पोल है वो नतीजों में तब्दील हो पाएंगे? नहीं देखिए, एग्जिट पोल का अगर बात करें तो वहां पे भी कुछ लोग बीजेपी को दिखा रहे थे, कुछ लोग कांग्रेस को दिखा रहे थे। मैंने आपको बोला कि कुछ हो या ना हो, क्लीन स्वीप वाली चीज किसी के साथ नहीं रहेगी, बीजेपी को डेंट लगेगा। अभी थोड़ा सा और आने दीजिए ये रुझान, अब देखिए आधे घंटे एक घंटे के ही रुझान में 2 बार 3 बार जो है हमारे डिसीजंस बदल चुके, कभी ये आगे हो रहा है, कभी पीछे, कभी बराबरी का हो रहा है। थोड़ा 1-2 घंटे 3 घंटे का सारे जो आपके ईवीएम बॉक्सेस हैं सबको ओपन हो जाने दीजिए, और सब सारे जब ओपन हो जाएंगे और उनकी जो है कुछ देर के बाद जब उनकी एक काउंटिंग आ जाएगी तो एग्जैक्ट रुझान तब आएगा। अभी हो सकता है कि ये सारे ईवीएम उस तरफ के खुल रहे हैं जहां बीजेपी के वोटर्स ज्यादा हैं, तो बीजेपी आगे चल रही है और कांग्रेस पीछे दिखा रहा है। एक इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट होता है, इवन वे में जब डाटा आना शुरू हो जाएगा तब एग्जैक्ट रुझान आएगा। इसीलिए मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा हूं, केवल ये कि फाइट बड़ी जबरदस्त होगी नेक टू नेक, और सरकार कौन बनाएगा ये डिपेंड करेगा एक्सपर्टाइज पे। बिल्कुल प्रवीण नापित जी, जिस तरीके से लगातार हम रुझान की भी बात करें, कांग्रेस फिलहाल आगे चल रही है, अगर इन 5 राज्यों में किसी भी राज्य में कांग्रेस जीतती है, एग्जिट पोल के नतीजे सच साबित होते हैं, तो पूरे देश की राजनीति पर इसका असर पड़ने वाला 2019 पर पड़ेगा। देखिए जनता ने वोट दिया है, जनता का जो उनको अधिकार है उसको हम अगर जो भी अगर हमारे ऊपर हम पक्ष में आता है विपक्ष में आता है सरमाथे से उसको स्वीकार करेंगे, और ये स्वीकार करना भी चाहिए, चाहे हमारे मित्र लोग हों, चाहे कांग्रेस की विचारधारा के लोग हों, चाहे बीजेपी के। देखिए अगर आप जनता का दिया, अगर आपको कोई भी ऐसा अवसर आता है तो स्वीकार, हमारा जो भी नतीजे आएंगे भारतीय जनता पार्टी उसको सर माथे में लेगी, और ये जनता का आशीर्वाद है, और इसमें हमने अपनी बात जनता के बीच में कही है, अब जनता को हमारा फैसला देना। देखिए अभी लगातार हम आगे चल रहे थे, अभी तो 9:30, 10, 11 और 12 बजे तक अभी पिक्चर खुलेगी और खुलती जाएगी, अभी इसमें कोई हमने फिर कहा है, हमने हम कभी ईवीएम को दोष नहीं देते। प्रखर हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। प्रखर, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो फिलहाल बढ़त कांग्रेस को मिलती नजर आ रही है, मध्य प्रदेश भवन में क्या कुछ स्थिति दिख रही है, कितना उत्साह दिख रहा है लोगों में? मनीषा देखिए, मध्य प्रदेश भवन में अभी तक कुछ खास हलचल नहीं देखने को मिली है, लेकिन आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज नतीजों का दिन है, और कहीं ना कहीं दोनों ही जो राजनीतिक दल हैं बीजेपी और कांग्रेस, उन्होंने पूरी बराबरी की टक्कर हमें अभी तक देखने को मिल रही है। जो मतगणना की प्रक्रिया है उसमें वो शुरुआत हो चुकी है, और कहीं ना कहीं दोनों ही बराबरी की टक्कर हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने जो तमाम मुद्दे हैं मध्य प्रदेश के, चाहे वो किसानों को लेकर हो, चाहे वो रोज़गार को लेकर हो, चाहे वो बेरोज़गारी को लेकर हो, उस पर तमाम घोषणाएं करी हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो जनता है प्रदेश की उसको आकर्षित कर सकती है। और अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो शिवराज सिंह चौहान एक जाना माना चेहरा है, पिछले 3 बार से बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर है, तो कहीं ना कहीं दोनों में बराबरी की टक्कर हमें देखने को मिल सकती है। जी मनीषा, प्रकाश जिस तरीके से लगातार हम रुझानों की भी बात कर रहे हैं, वहाँ पर क्या कोई प्रतिक्रिया आपको मिल पाई है बीजेपी नेता या किसी कांग्रेस नेता की, कि मध्य प्रदेश के रुझान के हिसाब से उनका क्या कुछ कहना है? देखिए
देखिए अभी तक जैसे कि मैंने बताया कि मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी हलचल हमें नहीं देखने को मिली है, तो अभी तक ऐसा कोई भी इस बारे में कोई भी जानकारी अभी तक हमें नहीं मिल पाई है। बहुत शुक्रिया प्रखर आपका तमाम जानकारी के लिए।